नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड, थोड़ा सा टॉपिक रहेगा फ्लाइट से रिलेटेड। आपको पता है मैं हर बार बोलता हूँ भाई, माइंड इरिटेट हो जाता है फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, जबकि हाथ कुछ लगता नहीं है। मैं ये बताऊंगा, अगर भाई आप दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली अगर आप फ्लाइट से लैंड कर रहे हो तो आप लोगों की वीडियो काम का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के हालात खराब हो रहे हैं, खराब होंगे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा, चैनल पहली बार तो वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई देखिए, दिल्ली के हालात आपको पता है, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, कोरोना के मतलब मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, हकीकत यह है दिल्ली गवर्नमेंट की। जी हाँ साथियों, और मैं बता दूं कि इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं कि अंतिम संस्कार जो शमशान घाट होता है ना, वहाँ पर भी लोग वेटिंग कर रहे हैं। दिल्ली की पोजीशन ये है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मेरे पास तो वीडियो आया था भाई, मैं ये बातें बता रहा हूँ। और दिल्ली सरकार मतलब बजट की प्रॉब्लम उनके पास है, क्योंकि केजरीवाल जी ने मारा जनता को खुश करने के लिए, कड़वी बात बता रहा हूँ भाई, जनता को खुश करने के लिए सब कुछ फ्री दे दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रेन फ्री, मेट्रो फ्री, रोडवेज बस फ्री, सब कुछ फ्री फ्री। तो भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? केजरीवाल के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कि वो रात को निकाल लेते हैं पैसा। पैसा तो जनता का टैक्स है, वो टैक्स लिया नहीं उन्होंने, यानी फ्री कर दिया, तो इनकम जीरो हो गई। जीरो होगी तो भाई फ्री का सिस्टम कितने दिन चलेगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार अच्छी है, हम बुरा उनको नहीं मानते, स्थितियाँ खराब होती हैं तो आदमी बदल जाता है, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन कड़वी सच्चाई मैं बता रहा हूँ, दिल्ली अगर आप आ रहे हैं तो भाई आपकी COVID-19 की जाँच नहीं भी हो सकती है। मैं बता दूँ आपको, क्वारंटाइन अगर आप दिल्ली हो रहे हैं, क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनका ही नंबर नहीं आ रहा है, तो आप सोच लें दिल्ली से, अब जबकि सबसे ज्यादा फ्लाइटें अभी दिल्ली आ रही हैं, इस बात का भी आपको पता है, अभी जो पेज 3 में तो लगभग बहुत ज्यादा फ्लाइटें दिल्ली लैंड करेगी। तो भाई आप अपने अपने स्टेट आ जाए, जैसे हमारे राजस्थान के पिछली बार आए थे, एक का फोन आया था, कोई कौन था पता नहीं, बोला 4,000 हमारा किराया लिया, वो 4,000 आप दे दीजिए ताकि आपको अपने स्टेट में आके आप क्वारंटाइन हो जाइए। दिल्ली के हालात खराब हैं, मेडिकल टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, हम उसको नाकामी नहीं बता सकते। कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भाई, और जो सिसोदिया वहाँ के उप मुख्यमंत्री, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, नेक्स्ट मंथ में 5 लाख प्लस ओनली दिल्ली में होंगे, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, दिल्ली में 5 लाख होंगे, तो भाई टेस्ट उनका ही पेंडिंग में रहेंगे, तो आप क्वारंटाइन होंगे तो आपका नंबर कहाँ से आएगा? वीडियो भी मुझे 2-4 लोगों ने भेजे थे, आप देख लीजिए, फोटो वगैरह साफ सफाई का भी बहुत कम हो रहा है भैया, दिक्कत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में। तो दिल्ली जो विदेश से फंसे हुए लोग दिल्ली आ रहे हैं क्वारंटाइन होते, भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जांच में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों ने बोला है कि सर हमारी जांच नहीं हो रही है, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के हालात इससे रिलेटेड खराब हो सकते हैं। तो अपने क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरते हो तो वहाँ पे अलग अलग स्टेटों के अधिकारी होते हैं, काउंटर लगे होते हैं, अगर आपसे 2-4-5 हज़ार रुपये किराए से मांग लें तो भाई आप दे दीजिए, मेरे हिसाब से ठीक होगा आपके लिए, हो सकता है थोड़ा बहुत कमबती हो जाए, लेकिन दिल्ली में आपकी COVID-19 की जाँच मुझे नहीं लगता हो पाएगी, क्योंकि हालात ख़राब है, ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।